टुडे वी विल डिस्कस एस ब्लॉक एलिमेंट. फर्स्ट एट ऑल गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स. आई शैल टीच यू अबाउट द एस ब्लॉक एलिमेंट पार्ट थर्ड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. आप पहले से भी आप पिछली वाली क्लास में भी पढ़ चुके थे कि एस ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है और यह किस तरह से हमने आपको बताया हुआ था कि एस ब्लॉक एलिमेंट आपका हाँ एस ब्लॉक एलिमेंट जो होता है किस तरह से उसमें हम दो ग्रुपों में बांटा गया उसको एल्कली मेटल एटम और एल्कलाइन अर्थ मेटल एटम में बांटा गया. आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ एस ब्लॉक एलिमेंट में वह बताने वाला हूँ डायगोनल रिलेशनशिप के विषय में कि डायगोनल रिलेशनशिप होता क्या है. लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा डिटेल आपको बता दें एस ब्लॉक एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर पर कि दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है और क्यों होता है इसको बता दिया जाए तब फिर आगे बात बढ़ाया जाए. देखिए ऑक्सीडेशन नंबर की जब हम बात करेंगे तो जो ऑक्सीडेशन नंबर हम निकाल सकते हैं वह ऑलरेडी हम बोरबरी के नियमानुसार निकाल सकते हैं. पिछली कक्षा में जब आपने पढ़ा हुआ है इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने कहा था कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट है आपने ये भी जाना कि एस ब्लॉक ही नहीं बल्कि हमारे पास जितने भी पीरियड में आते हैं वो तीन प्रकार के ब्लॉक आते हैं जिन्हें हम क्रमशः एस पी डी एफ ब्लॉक कहते हैं और इनका पूरा नाम साफ प्रिंसिपल डिफ्यूज फंडामेंटल होता है. तो यदि हम एस ब्लॉक एलिमेंट की बात करें तो एस ब्लॉक एलिमेंट में हमारे पास दो ग्रुप आया करते हैं. पहला ग्रुप जो आता है जिसे हम फर्स्ट ए ग्रुप कहते हैं. मैंने कल भी बात यही दोहराया था कि इसे एल्कली मेटल एटम कहते हैं. इसे क्या कहते हैं इसे हम एल्कली मेटल एटम कहते हैं. और एक होता है सेकेंड ए ग्रुप जिसे हम एल्कलाइन अर्थ मेटल एटम कहते हैं जिसे हम एल्कलाइन अर्थ मेटल एटम कहते हैं. तो इस तरीके से आपके जो एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वह दो ग्रुपों में बटा होता है. कल मैंने इसका जिक्र किया हुआ था कि एल्कली मेटल एटम और एल्कलाइन अर्थ मेटल एटम क्यों कहते हैं क्योंकि इनका जो जली विलयन होता है वो हाइड्रोक्साइड होता है यानी कि क्षारी होता है और इनका जो जली विलयन होता है वह क्षारी के साथ साथ मृदा टाइप के होते हैं मृदा परमाणु होते हैं. तो ये क्राइटेरिया होता है. उसके साथ साथ हम यहाँ पर एक बात आपको बता दें जो इम्पोर्टेंट बात होते हैं मेटल की बात है. तो जहाँ तक मेटल की बात करते हैं हम तो मेटल में क्या होता है कि जो धातुएं होती हैं वह ठोस होती हैं. धातुएं हमेशा ठोस हुआ करती हैं. उनको जब टकराया जाता है तो उनमें से आवाज़ आती है. और धातुओं का सबसे बड़ा लक्षण होता है कि जब इनमें विद्युत का प्रवाह कराया जाता है तो इनमें बड़े आसानी के साथ विद्युत का प्रवाह हो जाता है. यह बहुत बड़ी क्राइटेरिया है कि इनमें विद्युत का प्रवाह हो जाता है. सुपर कंडक्टिड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ द नॉन एच मेटल. तो मेटल ये चीज़ें होती हैं. आपने नाम में यह देखा कि जो एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं जिन्हें हमने एल्कली मेटल एटम कहा सेकेंड ए जो थे एल्कलाइन अर्थ मेटल एटम कहा ये सारी चीज़ें जो थीं आपने देखा कि दोनों में मेटल लगा हुआ है जिससे यह साबित हो जा रहा है कि एस ब्लॉक के जो भी एलिमेंट है 13 एलिमेंट जो कि पहले ए ग्रुप में सात होते हैं क्योंकि सात आवर्त हुआ करते हैं और हर एक आवर्त में आपने उन एलिमेंट को बिल्कुल फिलअप पाया है पुटअप पाया हुआ है और सेकंड वाले में छः थे इसलिए टोटल मिलाकर के सात छः 13 हो गए. तो 13 एलिमेंट हमारे पास मौजूद होते हैं. अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर की.
तो ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं यदि हम, तो आपको यहाँ जानना बहुत ज़रूरी होता है कि ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर होता है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूविंग इलेक्ट्रॉन, यानी किसी भी परमाणु के बाहरी कोर से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है, द नंबर ऑफ, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, द नंबर ऑफ रिमूविंग इलेक्ट्रॉन, जो रिमूविंग इलेक्ट्रॉन है वह इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है, वह इलेक्ट्रॉन की संख्या ही ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। द नंबर ऑफ रिमूविंग इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, रिमूविंग इलेक्ट्रॉन है, वह रिमूविंग इलेक्ट्रॉन ही इसका ऑलरेडी ऑक्सीडेशन नंबर कहला रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर की बात यदि हम करते हैं तो बाहरी परमाणु की बाहरी कोश में, देखिए आपको हम बता दें बेटा जी कि सबसे पहले परमाणु में नाभिक होता है, नाभिक के पास न्यूट्रॉन होते हैं और पास में प्रोटॉन होते हैं जिसे हम न्यूक्लियोलस के नाम से जानते हैं। उसके बाद सेल हुआ करते हैं, कोश हुआ करते हैं, इस तरीके से कोश हुआ करते हैं जिन्हें हम अंग्रेजी के बड़े अक्षर KLMNOP, आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में इसे पढ़ा हुआ होगा, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से हम इसके कोशों को भी निर्देशित करते हैं। 7 से ज़्यादा हम नहीं जाते हैं, KLMNOPQ तक जाएंगे और यहाँ पे हम 6, 7 कर देंगे। इससे साबित होता है कि 7 आवर्त से ज़्यादा नहीं होते हैं और इनको स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन 2, 8, 18, 32, 18, 8 होनी चाहिए। तो लगभग हम 6 मान करके चलते हैं। बाहरी जो होता है वो 7वां आवर्त हो जाता है, सबसे बाहर का कोश हो जाता है। अब यहाँ पर बात आती है कि जो आउटर मोस्ट सेल है, ये आपका आउटर मोस्ट सेल है, ये आपका आउटर मोस्ट सेल है, और ये आपका आउटर मोस्ट सेल नहीं है, इनर सेल है। अब आपने सेल में भी दो देखा, बाकी सारी चीज़ें बीच की जो थी मिडिल सेल थी। तो आउटर मोस्ट सेल और इनर सेल, तो यहाँ पे बात यह होता है कि कोई भी एटम उसके बाहरी कोश में जो 8 है, यानी ऑक्टा जिसे कहते हैं ऑक्टेन, वह ऑक्टेन कंप्लीट करना चाहता है ताकि उसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, और अंदर वाले कोश में वह 2 करना चाहता है। हालांकि बाहरी कोश तक हम तब तक पहुँचेंगे जब तक ये अंदर के सभी इलेक्ट्रॉन फिलअप नहीं हो जाएंगे, बट कंडीशन यहाँ पर यह आती है कि अगर किसी भी परमाणु के पास बाहर के कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो पा रहे हैं तो मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन जरूर हो जाए, यानी यहाँ पे कंडीशन यह होता है कि मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन होगा, मैक्सिमम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा वह 8 होनी चाहिए। आउटर मोस्ट सेल जो इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए वो 8 होनी चाहिए, और इनर सेल जो इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, इनर सेल इलेक्ट्रॉन जो होनी चाहिए वह 2 होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे आइदर शब्द यूज होता है, आइदर 8 और 2, या तो उसमें 8 होनी चाहिए या तो 2 होनी चाहिए, आइदर 8 और 2 होनी चाहिए। लेकिन बेटा जी एक बात ये क्लियर कर लीजिएगा कि आइदर 8 और 2 तभी होगे, मान करके चलिए कि एटम जो होगा वह 8 करने की कोशिश तो करेगा, लेकिन ये 8 नहीं हो पाएंगे तो उसको 2 होने चाहिए। लेकिन ये इसके पास यदि 2 हो रहे हैं तो जहाँ तक मेरी समझ है कि उसका अब अंदर का जो कोश है वही बाहर का कोश बन जाएगा। जैसे हम यस ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट हाइड्रोजन की बात करते हैं, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ये इसका न्यूक्लियस होता है, न्यूट्रॉन, ए प्रोटॉन, और ये इलेक्ट्रॉन इसका होता है।
अब इसके पास एक ही कोश है तो इसका यह एक कोश इसका बाहर का भी कोश माना जाएगा और इसके अंदर का भी कोश माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसे हम अंदर का ही बोलें। अब इसमें यह दो करने की कोशिश करेगा, किसी के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, किसी के साथ भी लेन देन कर सकता है, या CL भी बना सकता है, HBR भी बना सकता है, HI भी बना सकता है, किसी के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, ये बड़ी आसानी के साथ ये काम कर सकता है। लेकिन यदि इसके पास दो हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसका ऑक्टेन पूरा नहीं हुआ, उसका ऑक्टेन पूरा हो रहा है, लेकिन उसके पास कम से कम दो होने चाहिए जो ऑक्टेन के वैलिड की एक हीलियम नाभिक के बराबर माना जा रहा है। तो इसीलिए मैंने कहा कि आइदर 8 or 2, यानी या तो उसमें 8 होने चाहिए या तो फिर 2 होने चाहिए, और बाकी तो मैक्सिमम आउटर मोर सेल 8 इलेक्ट्रॉन, इनर सेल 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। आप इसे अच्छी तरह से देख रहे हैं। अब रही बात ऑक्सीडेशन नंबर की, बोरबरी के अनुसार इन कोशों में जो इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, बोरबरी के अनुसार जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इन कोशों में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, उनका फार्मूला था 2n2। उन्होंने एक फार्मूला दिया हुआ था, 2n2 के फार्मूले दिए हुए थे, जहाँ पे उन्होंने कहा VN इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेल, जहाँ पे N इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेल, ऐसा कहा। उन्होंने कोशों की संख्या दर्शाया हुआ था, VN इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेल कहा हुआ था, यानी इन कोशों की संख्याओं को बताया। उन्होंने कहा कि पहले कोश में अगर N बराबर हम 1 ले लेते हैं तो देखिएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 × 1 का स्क्वायर कर देते हैं, बराबर 2 हो जाएगा। यानी पहले वाले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यदि हम N बराबर 2 ले लेते हैं तो 2 × 2 का स्क्वायर कर देते हैं तो 8 हो जाएगा। तो इसका मतलब दूसरे वाले कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यदि N बराबर हम 3 ले लेते हैं तो यहाँ पर 2 × 3 का स्क्वायर हो जाएगा, जहाँ पे 3 × 9 = 18 हो जाएगा। यदि हम N बराबर 4 ले लेते हैं तो यहाँ पर 2 × 4 का स्क्वायर हो जाएगा, जहाँ पे ये 32 हो जाएगा। तो उन्होंने एक कंसेप्ट दिया जिसे मैजिक नंबर के नाम से जाना जाता है, 2, 8, 18, 32, 18, 8। और उन्होंने कहा कि कोस को स्टेबल होने के लिए यही सारे इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और इसे इलेक्ट्रॉन के आधार पे उनको हम आगे बढ़ाने की कोशिश किया करते हैं। अब आगे का मैटर देखिएगा कैसे करेंगे हम। मैं ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर रहा था कि यस ब्लॉक के जो भी एलिमेंट हैं इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा और कैसे होगा, ये कैसे क्लियर हो जाए। तो जनाब इसको थोड़ा सा आप देखिएगा, मैं आपको डिटेल बताता हूँ। यहाँ पर यस ब्लॉक के पहले ग्रुप के एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर आपको क्लियर बताता हूँ कि इनका ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ आप देखिएगा यस ब्लॉक के पहले एलिमेंट का जो है कैसे क्लियर करेंगे हम, है ना। तो ये देखिएगा आप यस ब्लॉक के एलिमेंट का पहले ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे जानेंगे। यस ब्लॉक की पहले ग्रुप का जो ऑक्सीडेशन नंबर है, बैठना तो भर सकते हैं इधर कहीं, तो यहाँ पर आ जाइए आप। तो यहाँ पर क्या हुआ, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है इस तरह से, अब इन्हें दो होने की कोशिश करेगा,
अब आप देखिएगा कि इसके पास ये नाभिक है, यहाँ न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है। चूँकि यह क्लास बीएससी पार्ट वन का है, इसलिए बच्चे नादान होते हैं, बच्चे हैं अभी प्रीवियस में आए हुए हैं, इसलिए रफ्तार पकड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। बड़ी ही आसानी के साथ यूट्यूब के सहारे वो समझे, क्लास भी इसका इसी तरह से ही चलेगा। अब एक इलेक्ट्रॉन है। अब बोरबरी के नियमानुसार हम चले आते हैं। बोरबरी ने कहा कि दो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यदि एन बराबर एक ले लिया जाए तो कितने होने चाहिए? दो होने चाहिए। जब दो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तो आप फैसला करिए कि दो इलेक्ट्रॉन जब होने चाहिए तो क्या यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन मौजूद है? नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में यह अपना एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा। यह अपना एक इलेक्ट्रॉन इसलिए निकालेगा क्योंकि जब आप घर से बाहर निकलेंगे तभी दोस्ती होगी, वरना दोस्ती नहीं हो सकती। तो जब यह अपना एक इलेक्ट्रॉन घर से बाहर निकालेगा, आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा, तो इसमें ऑटोमेटिक एच प्लस आ जाएगा, हाइड्रोजन प्लस आ जाएगा। और जैसे मान लीजिए कि इसकी मुलाकात सीएल से होती है और सीएल के पास 17 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 2, 8 और 7 हो गए। ऑक्सीडेशन नंबर हम बताएंगे, बट अभी मैं आपको थोड़ा सा बैक कर रहा हूँ। अब इनको 8 होने के लिए सबसे बाहरी कोश इनका है, यहाँ आप देख सकते हैं, ये मैंने इनका नाभिक बनाया, न्यूट्रॉन प्रोटॉन बनाया। यहाँ पर मैंने इनके पहले वाले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन को दिखाया, दूसरे में 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और तीसरे में 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दिखाया। तो इनके तीसरे में इस हिसाब से 18 होनी चाहिए थी, लेकिन इनका तीसरा ही कोश बाहरी कोश बन जा रहा है। इनका तीसरा ही कोश बाहरी कोश बन जा रहा है, इसलिए बोरबरी के अनुसार 18 होने चाहिए। लेकिन बोरबरी ने एक बात और भी बोला कि अगर वह तीसरा कोश बाहरी बन रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे 18 ही हो, वहाँ पर 8 भी हो सकते हैं। तो आपने देखा कि 18 तो होना इम्पॉसिबल है, लेकिन 8 होना पॉसिबल है। अब ये क्लोरीन हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन यदि ले लेता है, यानी हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन अपना क्लोरीन को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दे देता है, क्लोरीन को हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है और हाइड्रोजन क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो हाइड्रोजन के पास 2 हो जाएंगे और क्लोरीन के पास भी 8 हो जाएंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी हो रही है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का विनिमय हो रहा है और आसानी के साथ एच और सी एल के बीच में सिंगल कोवेलेंट बांड बन जाएगा। और यहाँ पर सिंगल कोवेलेंट बांड बनने के बाद, जैसे ही यहाँ पे सिंगल कोवेलेंट बांड बन गया, आसानी के साथ आपने देखा कि इनके पास भी 2 हो गए और इनके पास भी 8 हो गए। तो ये क्राइटेरिया होता है, लेकिन ये लोग अपनी कक्षा से इलेक्ट्रॉन को निकाले हैं, ऐसा नहीं कि अंदर ही लिए थे, कक्षा से इलेक्ट्रॉनों को निकाला गया। और जब कक्षा से इलेक्ट्रॉनों को निकाला जाएगा तो ऑलरेडी ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का निकलना ही तो ऑक्सीडेशन कहलाता है, रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो इसका मतलब किसी भी परमाणु के सबसे बाहरी कोश का ही इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, क्योंकि उस पर नाभिकीय बल कमज़ोर होता है,
नाभ की बल बहुत ही कमज़ोर हुआ करता है और आसानी के साथ उसे हम निकाल करके उसका ऑक्सीडेशन नंबर के रूप में उसकी संख्या ले सकते हैं। और फिर आगे जाकर यदि वह बंड बना रहा है और बंड बनाने में वह इलेक्ट्रॉन का विनिमय कर रहा है तो कोवेलेंट बांड बन जा रहा है, विनिमय नहीं कर रहा है इलेक्ट्रोवेलेंट बांड बन जा रहा है, दो दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है विनिमय नहीं कर रहा है कोऑर्डिनेट बांड बन जा रहा है, देने पर निकलने के बाद आयन में बदल रहा है, आयन के द्वारा बांड बन रहा है, आयनिक बांड हो जा रहा है ना। ये सारे कंडीशन आपके केमिकल बॉन्डिंग के हुआ करते हैं। अब आपको मैं बता दूं, ऑक्सीडेशन नंबर की बात हो रही है, पहले ग्रुप के एलिमेंट की बात हो रही है। अब हम जैसे हाइड्रोजन ले लिया मैंने, अब मैंने हाइड्रोजन ले लिया और उसके पास एक इलेक्ट्रॉन था और सबसे बाहर में भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, सबसे बाहर में भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे क्या दर्शा दिया, एक दर्शा दिया। दूसरी कंडीशन आप देखिएगा, मैंने दूसरा ले लिया, तीन इलेक्ट्रॉन है लिथियम के, जिससे मैंने कहा दो और फिर उसके बाद मैंने कहा एक, यानी दो करने के बाद मैंने एक कहा, इससे ये साबित हो रहा है कि दो और एक क्या होता है, तीन होता है। हाइड्रोजन लिथियम के बाद सोडियम की पारी आती है, जहाँ पे मैंने कहा दो आठ एक ऐसे कहा, यानी यहाँ पे दो आठ और एक की बात आती है, सबसे बाहर में एक हो गया। सोडियम की बात 19 पोटेशियम की पारी आती है, जहाँ पे मैंने कहा दो आठ आठ एक ऐसे कहा, यानी आठ दो दस आठ अठारह एक 19 कहा। उसके बाद अब का आता है 37, जो रुबिडियम होता है, 37 रुबिडियम का होता है, जिसे मैंने कहा दो आठ अठारह आठ एक, नोट कर लीजिएगा, आठ दो दस अठारह दस अट्ठाईस, अट्ठाईस आठ छत्तीस और एक 37 मैंने कहा। 55 सीजियम का होता है, बहुत ही खतरनाक होता है, इसे मैंने कहा दो आठ अट्ठारह अट्ठारह आठ, तब एक बोला, तो काउंट कर लेते हैं, अठारह अठारह छत्तीस, 36 और 10 46 और 46 और 8 54 54 और एक क्या आता है 55 हो जाता है। उसके बाद आता है 86 जो फ्रांसियम का है, उसमें मैंने कहा 2 8 18, पहले तो देख लेते हैं आ रहा है कि नहीं आपका इमेज, ये यदि ये इमेज नहीं आ रहा तो मैं थोड़ा सा इनर साइड करके देखूंगा, और यह इमेज आने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है और इसलिए मैं इस साइड ले लेता हूँ, ठीक है कोई बात नहीं, जगह है वहाँ पे पर्याप्त हमारे पास, नीचे भी हम ले सकते हैं इमेज, हम नीचे ले लेते हैं, ठीक है ओके। या थोड़ा देख लेते हैं कि डाउन तक कितना जा रहा है, ये डाउन में तो पूरा ही है, ठीक है ठीक है, और बहुत सही है ओके। तो इस तरह से हम बिल्कुल बिल्कुल सही जा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि ठीक है ओके ठीक। तो आपको हम दिखा देते हैं किस तरह से ये होता है, ठीक है। हाइड्रोजन का मैंने आपसे कहा कि यह एक हो गया, लिथियम का मैंने आपसे कहा कि यह आपका दो आठ और एक हो गया, सोडियम का मैंने 11 ले लिया, जिसमें मैंने कहा दो आठ आठ और एक कहा है, और फिर उसके बाद 19 मैंने आपका पोटेशियम का कहा, दो आठ अठारह आठ दो दस आठ अठारह एक 19 हो गया, गलत हो गया यहाँ पे, ये आपका दो और एक है, सॉरी इसके लिए, और ये आपका दो आठ और एक है, ये आपका दो आठ आठ एक हो गया इस तरह से। उसके बाद 37 आपका रुबिडियम का है, दो आठ अठारह आठ एक आप जोड़ सकते हैं इसको, फिर 55 आपका सीजियम का है, दो आठ अठारह अठारह आठ और एक हो गया,
और 86 आपका फ्रेंसियम का ही, जिसमें मैंने आपसे कहा 2, 8, 18 और ठीक है 32 कर दीजिएगा, 32, 8, 1 कर दो, 8, 18, 32, 18, 8 ऐसा बोला जाता है, बट 32, 8, 1 करिएगा, जोड़ लेते हैं 32, 8, 8 40 हो गया, 40, 10, 50 हो गए, 50 और 18 आपके 50, 18 जोड़ लीजिए आप यहाँ पे तुरंत, तो 68 हो गए आपके, 68, 61 बता रहा है, तो 18 करके तब आप 8 और 1 करिएगा तो आ जाएगा 32, 18, 8, 2, 10, 3, 1, 4, 1, 50 हो गए, 50, 10, 60 हो गए, 60, 18 कितने हो गए 78, 78, 8 क्या हो गए 78, 8 जो हो गए आपके 86 हो गए, तो ये 87 होगा फ्रेंसियम, ठीक है, और इस तरह से ये हो जाता है, ठीक है, फ्रेंसियम 87 है, फिर 88, 8 तो आपने देखा कि अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन आसानी के साथ यहाँ से रिमूव कर देते हैं तो ये इनका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस एक हो जा रहा है। तो आपने देखा कि ये आसानी के साथ अगर अपने पीछे वाले की का क्या कहते हैं कि अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं तो बड़े ही आसानी के साथ इनका ऑक्टेन पूरा हो जाएगा, अष्टक पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दे रहे हैं तो इनके बाहरी कोष में बड़े ही आसानी के साथ 8 इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं, जिसमें इन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो रही है। तो इस प्रकार से हम इनमें यह साबित कर सकते हैं कि यह अपना एक इलेक्ट्रॉन और सेकेंड ए ग्रुप वाले जो होते हैं अपना 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करके आसानी के साथ अष्टक पूरा कर लेते हैं और पुनः ये अपने इलेक्ट्रॉन को नहीं लेते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यह इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके अपना ऑक्टेन पूरा करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए यस ब्लॉक एलिमेंट जो है बहुत कठिन नहीं है, आप किसी भी किताब से भी पढ़ सकते हैं और मैंने पिछली कक्षा में इसे बड़ा ही डिटेल आपको पढ़ाया हुआ भी था, तो आप आसानी के साथ पढ़ा करिए कि क्या होता है और कैसे लगता है, और इस चीज़ को मैंने बखूबी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया कि क्या ऑक्सीडेशन नंबर होता है और हम इसे कैसे आसानी के साथ निकाल सकते हैं। इसलिए प्लीज़ आप इसे अच्छे से नोट्स बनाइए और पढ़ने की कोशिश करिए। तो जिस तरीके से मैंने आपको यस ब्लॉक एलिमेंट को बताया कि अपना या एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके आसानी के साथ अपना वर्क कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, अपना ऑक्टेन पूरा कर रहे हैं, उसी तरह से हमारे पास जो सेकेंड ए ग्रुप के एलिमेंट है वह भी अपना इलेक्ट्रॉन रिमूव करके अपना वर्क करते हैं, अपना ऑक्टेन पूरा करते हैं। देखिए कोई भी परमाणु है वह यही चाहता है कि उसका अष्टक पूरा हो जाए, वह अपना 8 पूरा कर ले ताकि अष्टक पूरा कर ले ताकि वह आसानी के साथ, अष्टक पूरा करने का तात्पर्य होता है कि आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन किसी के साथ साझेदारी करके, किसी के साथ बॉन्ड बना करके अपना अष्टक पूरा करे, साथी बना ले, यही एक उसमें एक क्राइटेरिया हुआ करता है और बाकी उसमें कोई क्राइटेरिया हुआ नहीं करता है। अब मैं आता हूँ थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि यदि यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को आप लाइक्स करना ना भूलें। पीजी रसार बरौत उर्मिला देवी पीजी कॉलेज रसार बरौत के नाम से यह हमारा चैनल चलाया जा रहा है, प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल को लाइक्स करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन ऐसा कुछ होता है यानी घंटी वहाँ पे एक है, आप उसको भी बजा करके, उसको भी देख करके हमारे जितने भी वीडियोस बने हैं आप उस पर भी जा सकते हैं। और आपको बता दें कि आप अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, वैसे भी क्लास में आपने हमको बहुत ही सराहा है, लाइक्स किया, बहुत ही प्यार दिया हुआ है, हमारी क्लास को आप लोग बड़े चाव से सुनते भी हैं, और उस क्लास के लिए भी और इस क्लास के लिए भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब मिलेंगे हम अगली वीडियो के साथ,
क्योंकि अगले वीडियो में हम आपको इसको थोड़ा सा पीरियाडिक प्रॉपर्टीज़ के विषय में बताऊंगा कि यस ब्लॉक की जो एलिमेंट है उनकी क्या पीरियाडिक प्रॉपर्टीज़ है। तो ठीक है, ओके, थैंक्स, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।